हाय स्टूडेंट, केनता अच पिले? आ सब भल भल तो पिले, आज आम फोर्थ सेम रो कोर 9 एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स रो यूनिट 1 पार्ट 1 वीडियो रो पढ़ा पिले ब्रीफ रिव्यू ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझेला। तो तुम सिलेबस आगे देखिन यूनिट 1 रो ओनली इला तुम सिलेबस पिले, यदि पारुछ बेले वीडियो पॉज करके तुम सिलेबस के लिखि दियो हला, बुझे पार्ल कि नहीं? इला तुम यूनिट 1 तो सब सिलेबस अनुसार पढ़ावा, बुझ पार्ल कि नहीं? तो जहाँ जहाँ अच्छे सिलेबस अनुसार पढ़ावा। ओके, ये लिखि नियो, लिख लो सिलेबस, लिख लो तो हाँ लिख लिख लो। ओके लिख लो, क्या पढ़वा लिख। तो इन मुई नोट तुमके देखीदेवी, चिंता नहीं कर, आगे टी बुझ। तो आम आज पढ़वा मान इन किसी लंग क्वेश्चन नहीं आसे, सर्ट टाइप क्वेश्चन आवा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कण है जानमा, बुझ पार्ल कि नहीं? तार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कण है जानमा, बुझेगा? तुमको डायरेक्ट नोट रू ही पढ़ेदेवि है। तो देख, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी बोले कण पे देख, ब्लैक बॉडी बोले कण, गोटे बॉडी के मन कर गोटे बॉडी अच्छे, ताके जो आम हिट देना कण देना हिट देना, जो गोटे बॉडी के जब आम हिट देमा, बुझ पार्ल हिट बोले कण आसुचे? देख अच्छे तुम गोटे लुहा के हिट करुच, तो पहला हिट दबो टी कण हवा टी ऑरेंज टाइप रहा, आउ टी हिट दबो कण हवा बहुत लाल दिसबा, टी आहुरी टी आटिके बेसी हिट दबो टी येलो दिसबा, बुझी पालन? आ टिके पूरा हिट दबो कण हवा ब्लू दिसबा, कण दिसबा ब्लू दिसबा। तो फास्ट ऑरेंज दिसला, तापर आ टिके पूरा गाढ़ा रेड दिसला, तापर टिके येलो दिसला बा रेड पूरा बेसी रेड ही कण है मन डायरेक्ट ब्लू लिखी दूँ है। तो ये मन कण कलर है मन, ये कण वेवलेंथ अच्छे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ अच्छे, ये मन कण डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ अच्छे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ अच्छे। तो हिट आम देना, बुझ पार्ल कि मैंने कण किटा गला। तो ये जदि जिते बेले गोटे बॉडी के जो आम हिट देमा, से तीन टा जिनिस करवा, कण करवा? एक तो तुम करवा, एक कण करवा ना ट्रांसमिट करवा बा एब्जॉर्ब, लिख एब्जॉर्ब। दुईरे कण रिफ्लेक्ट करवा, कण करवा रिफ्लेक्ट करवा, दुईटा जिनिस करवा, बुझी पार्ल? रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट बोलो है, ट्रांसमिट भी लिख लिख ले चलवा। तो ब्लैक बॉडी केते बेले कहमा, जदि गोटे वस्तु के जदि आम हिट कर दमा, से जदि रिफ्लेक्ट नहीं करे, जदि एब्जॉर्ब करवा, कण करवा? जदि एब्जॉर्ब करवा, बुझी पार्ल कि नहीं? से जदि एब्जॉर्ब करुछे ना, ताके कहमु आम ब्लैक बॉडी बोली करे कहमा, कण कहमा? ब्लैक बॉडी। मन कर आम हिट दमा, हिट दी करे से काना, देख एबे तुम ब्लैक शर्ट पिंधिछ, मन कर गोटे ब्लैक शर्ट है, मन कर एटा गोटे शर्ट है, शर्ट रे लाइट पड़ला, से रिफ्लेक्ट नहीं करी, से कण है एब्जॉर्ब कला, तो आमके कण दिसबा? ब्लैक दिसबा। जदि इटा रेड शर्ट है, मन कर शर्ट रो कलर है लाल है, लाइट पड़ला, तो सेनु रेड कलर कण हवा रिफ्लेक्ट हवा, जेहेतु रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर के पड़वा आम आखिरे पड़वा, तो आमके लगवा जीटा रेड शर्ट है बोलिकर। बट जदि रिफ्लेक्ट नहीं करी, जो एब्जॉर्ब है बोले आमके कण दिसबा? ब्लैक, कण हवा? ब्लैक। तो ब्लैक बॉडी, बुझि पार्ल हाँ कि नहीं? आदि ब्लैक बॉडी के जदि जिते बेले आम गोटे ब्लैक बॉडी के हिट करमा ना, सेतेबले जिते बेले रेडिएशन एमिट हवा, जिते बेले रेडिएशन सब बाहर रेडिएशन, ताके कहमु आम कण? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहमु, कण कहमु? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहमु, बुझीहला? देख इटा ब्लैक बॉडी रो डेफिनेशन, नोट अच्छे ऑलरेडी। ए ब्लैक बॉडी इज वन व्हिच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, देख डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ सबके से कण एब्जॉर्ब कर देबा, देख रेड हो कि रेड जहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ अच्छे, तो सबके से कण कर देबा? तुम मेन जिनिस है यहाँ के भूलब एब्जॉर्ब कर देबा, कण कर देबा? एब्जॉर्ब करवा। बट इट नाइदर रिफ्लेक्ट्स और नॉट ट्रांसमिट एनी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड देयरफॉर अपीयर्स ब्लैक व्हाट एवर बी द कलर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो कलर जेन्ता इंसिडेंट रेडिएशन भी हुई थो, जदि से जदि एब्जॉर्ब कला और रिफ्लेक्ट किंबा ट्रांसमिट नहीं करी, ताके काना दिसबा ना? ब्लैक दिसबा, काना दिसबा? ब्लैक दिसबा, सेटा कला खाली एब्जॉर्ब कला माने काना दिसबा? ब्लैक दिसबा, बुझीहला? तो जेते बेले सेटा ला ब्लैक बॉडी हो गला, तो जेते बेले व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन,
तो जिते बेले आम ब्लाक बॉडी के हिट करदेमा से कण रेडिएशन मैंने एमिट सेवा मैंने जेन रेडिएशन मैंने सब बाहर बा, तो ताके कहमा आम ब्लाक बॉडी रेडिएशन कण कहमा ब्लाक बॉडी रेडिएशन कहमा जोर से कह कण कहमा पिले ब्लाक बॉडी रेडिएशन कहमा पूरा भल से बुझी पार्ल गोटे वार्ड रे कहले कण ना जदि एब्जर्व कला बोले सेटा है ब्लाक ब्लाक बॉडी बुझेगा ना से रिफ्लेक्ट नहीं करे कि ट्रांसमिट नहीं करे जदि एब्जर्व कला ताके कहमा आम ब्लाक बॉडी बुझेगा ओके एबे ब्लाक बॉडी रेडिएशन रहा है कर यहाँ बाटे फ्रिक्वेन्सी बुझेगा यहाँ है एनर्जी डेनसीटी तो एमती है कर बुझेगा ओके नेक्स्ट ब्लाक बॉडी रेडिएशन लिखी छा ए ब्लाक बॉडी व्हेन हीटेड एमिट्स रेडिएशन दिज रेडिएशन आर कॉल ब्लाक बॉडी रेडिएशन सीने भी कही दी से है बुझेगा एवं देख यहाँ ब्लाक बॉडी रेडिएशन कथा गला एवं देख फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेले कण बुझीपाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेले कण जे देख ए देख फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गोटे मेटाल अच्छे मेटाल तुम कण अच्छे अच्छा इलेक्ट्रॉन मन अच्छा बुझेगा मेटाल तो गोटे सुइटेबल लाइट जदि मेटाल उपरे पड़ा गोटे सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी नहीं करे गोटे सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी गोटे लाइट जदि पड़ा तार फ्रिक्वेन्सी थी है बुझेगा कि नहीं तो गोटे लाइट पड़ा कण पड़ा लाइट पड़ा ठिचकिया कि नहीं मेटाल सर्फेस पड़ा कण सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी गोटे लाइट बुझेगानी लाइट पड़ा कण पड़ा गोटे लाइट पड़ा जहाँ कि गोटे फ्रिक्वेन्सी अच्छे कण अच्छे गोटे फ्रिक्वेन्सी सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी अच्छा लाइट पड़ा अच्छा कार उपरे पड़ा मेटाल सर्फेस पड़ा हाँ सार पड़ा हाँ कि नहीं तो इनु कण है जेन इलेक्ट्रॉन मैंने कण है एमिट्स है मैंने बाहरी जा इलेक्ट्रॉन मैंने सब बाहरी जावा है ये सब इलेक्ट्रॉन है सब एम बाहर के बाहर के बाहरी जावा एमिट्स है बुझिपाल कि नहीं एमिट्स हवा कण हवा एमिट्स बाहर के बाहर बा तो ये फेनोमेनन के कण कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा बुझेगा आउ जेन इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर ना ये इलेक्ट्रॉन के कण कह फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहना कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा सब बाहर के बाहर है बाहर के बाहर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कण निजे इमाजिन कर गोटे मेटाल अच्छे से गोटे लाइट पड़ला सेटा भी सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी तो जिते बिल लाइट पड़ला से जेन मेटाल सर्फेस इलेक्ट्रॉन मैंने अच्छे से एमिट्स है बुझेपाल कि एमिट्स है तो ये फेनोमेना के कहा तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलकर कहा जेन इलेक्ट्रॉन मैंने एमिट्स है से इलेक्ट्रॉन मन के से इलेक्ट्रॉन मन के कण कह से इलेक्ट्रॉन मन के कह तुम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा कण कह फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहना कह फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा इतक बुझी पार्ल अच्छा एवं आम ल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहना तुम सर्ट टाइप क्वेश्चन एसी एम सी क्यू एसी ल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कण है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लाक बॉडी कण यहाँ छोटिया छोटिया क्वेश्चन ना ह्वाट इज ब्लाक बॉडी रेडिएशन पचरा दबा बुझीपाल इन लंग क्वेश्चन किसी नहीं आसा ल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फास्ट कण है जेहतु गोटे सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी पड़ू बुझीपाल कि नहीं सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी कण कह थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी कह तो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी बोले कण जिते बेले द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एबव सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दैट मेटल मन कर इ इलेक्ट्रॉन बाहर के जीवा के आम के दरकार 5 हर्ज बुझेपाल कि नहीं कि 10 हर्ज दरकार है तो से टाइप रो कण आबार अच्छे से फ्रिक्वेन्सी रो लाइट आबार अच्छे बुझेपाल कि नहीं तो जिते बेले भी फ्रिक्वेन्सी अच्छी ना से सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू बुझेपाल एभोव सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू रो एसी माने टिके अधिक वाला एसी अधिक वाला फ्रिक्वेन्सी कण आवा बाहर के जी पार्बा बुझेपाल कि नहीं हाँ कि नहीं जो कम वाला आसला बेले बाहर के जी नहीं पारे ना
बुझिपारे तो ताकत वाला दरकार तो अधिक फ्रीक्वेंसी वाला दरकार अधिक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़े तो बाहर के दी पार्बा इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी बेसी थी बार कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आसले तो बाहर के करी नहीं पारे ना गेट आउट बोली करी कही नहीं पारे ना तो अधिक ताकत वाला अधिक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट पड़े ही बाहर के करी पार्बा तो से फ्रीक्वेंसी के काण कह जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह जैसी से क्रिटिकल वैल्यू के काण कह जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह जैसी और फ्रीक्वेंसी काण हैसी ना एभोव क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दैट मेटल तो मेटल रो जेते क्रिटिकल वैल्यू अच्छे तानु टिके अधिक वाला फ्रीक्वेंसी ऐसी अधिक वाला फ्रीक्वेंसी ऐसी बुझेला तो से फ्रीक्वेंसी काना कहा जैसी से फ्रीक्वेंसी कहा जैसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जैसी बुझिपाल मेटल रो मन क्रिटिकल वैल्यू अच्छे तानु अधिक फ्रीक्वेंसी हेले तो बाहर के इलेक्ट्रॉन मैंने एमिट ही पार्बे ना इतक बुझिपाल दि नंबर देख इटा गोटे काणा इंस्टानियस प्रोसेस है इंस्टानियस प्रोसेस है क्या प्रोसेस है इंस्टानियस प्रोसेस है मैंने जेनता लाइट पड़वा हेन्ती एमिट हाँ मैंने फटाफट काम ही दूचे बुझिपाल जिते पॉसिबल हेत स्पीड रे काम ही दूचे पड़ला लाइट एमिट है इंस्टानियस प्रोसेस है इतक बुझिपाल इतक बुझीला अच्छा ये देख ओ इटा गोटे काणा इंस्टानियस प्रोसेस है काणा इंस्टानियस प्रोसेस है बुझीला ओके एबे देखो इंटेंसिटी देखो इंटेंसिटी काणा देखो नंबर ऑफ फोटॉन बा फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अच्छा तुमको डायरेक्ट नोट रूप पढ़ दूसरे सुविधा हवा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दिली इंस्टानियस प्रोसेस कह दिली एबे देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी कंडा देखो अच्छा गोटे मेटल अच्छे बुझी पार लो अच्छा इटा के दरकार मन कर 10 हर्ज दरकार जदि 10 हर्ज जो फ्रीक्वेंसी है कण हो एमिट हो बट के फ्रिक्वेन्सी आसगला मन कर 15 आसगला 15 हर्ज फ्रीक्वेंसी है बुझिपाल तो ये तो 10 हर्ज रे एमिट हो जेन 5 हर्ज रहा से कण हाँ से 5 हर्ज तुम कनवर्टेड हो तुम काइनेटिक एनर्जी कनवर्ट हो बुझिपाल 5 हर्ज बुझाला ये जिन 5 हर्ज जिन कनवर्टेड हो से काना डिपेंड फ्रीक्वेंसी ऊपर एका डिपेंड होचे ना हाँ कि नहीं ओके तो सेटा का कहन सेटा कहन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी बुझाला और इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मन कर गोटे 100 बल्ब अच्छे बल्ब तो सेनु का 100 इलेक्ट्रॉन बाहर तो तार जिते इंटेंसिटी थिबा हेतकीटा इलेक्ट्रॉन बाहर बुझिपाल तो जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यदि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जदि अधिक थिबा अधिक नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहरबा बुझिपाल जदि इंटेंसिटी जदि अधिक थिबा माने अधिक नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहरबा जदि कम थिबा देन कम बाहरबा फोटो इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एतकी बुझिहला ओके एबे देखो किंतु एनर्जी संग काटा एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू जानसु जेन तुमर इंटेंसिटी बढ़ुचे से एनर्जी संगे किसी लेना देना नहीं एनर्जी कहा संगे लेना देना है फ्रीक्वेंसी संगे क्या आम जानी इज इक्वल टू एच न्यू से तो फ्लांग कॉन्स्टेंट है यहाँ फ्रीक्वेंसी है एनर्जी तो एनर्जी कहार संगे लेना देना है फ्रीक्वेंसी संगे लेना देना है इंटेंसिटी संगे लेना देना नहीं ना बुझिपाल यदि आज कहगला काण तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी क्या तो इंटेंसिटी संगे तो लेना देना नहीं इंटेंसिटी कहार संगे लेना देना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन संगे बुझिपाल जेते इंटेंसिटी बढ़वा हेते फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हाँ बट तुम एनर्जी जेहेतु आम जानी ई इज इक्वल टू एच न्यू है तो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कण है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी आउ डिपेंडेंट अपन द फ्रीक्वेंसी है बुझिपाल कहला डिपेंड अपन द फ्रीक्वेंसी बुझिपाल बट इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी बुझीला तो यहाँ है कथा।
तो ये चलो नोट लिखी दियो पिल्ली है लिख लो आगे बढ़मा।